हम लोग चीजें डिस्कशन किया था लास्ट टाइम पे कि कैसे क्या हो सकता है। अभी फिलहाल तो ये डेली के टाइम फ्रेम के उस पे है, सप्लाई जोन पे है, ठीक है ना। और दूसरा चीज मैंने आप लोगों से क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि ठीक है, ये सप्लाई जोन पे आने के बाद में हम लोग इसको सेल का प्लान करेंगे। कब? जब हमारा रिसेंट लो ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने रिसेंट लो ब्रेक नहीं किया, ये सेम चीज हमारे यूरो यूएसडी में भी हुई और सेम ये चीज हमारा गोल्ड में भी हुआ। गोल्ड ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अभी ध्यान करिएगा, जब लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर में, तो हम लोगों ने क्या बात कही थी, हमने कहा था कि भाई मार्केट हमको हायर हाई दे रहा था, ठीक है, फिर ये हाई दिया, लो दिया, हाई दिया, ठीक है, और इधर कहीं हमारा जोन भी था। मैं जोन को भी एक बार जरा मार्क कर दे रहा हूं, ये D1 का जोन हो गया हमारा, गाइस ठीक है ये जोन। एक बार मुझे बताइए कि क्या है जोन, ठीक है या नहीं। ठीक है, देखिए ये जोन था हम लोग का, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और हम लोगों ने डिमांड जोन को भी मार्क किया था, दिस वाज हियर, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई जो मार्केट है हमारा वो डिमांड और सप्लाई के बीच में झूल रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अभी हम लोगों ने ये कहा था कि जब मार्केट हमारा इस सप्लाई जोन में आएगा, देन हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पर हम लोग क्या ढूंढेंगे, लोअर लोस, है ना। मार्केट हमको क्या देना चाहिए, लोअर लो देना चाहिए। तो अभी भी हम लोग देखेंगे तो मार्केट अभी भी हमारे सप्लाई जोन पे ही है, ठीक है ना। मार्केट हमारे अभी भी सप्लाई जोन पे ही है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे एंट्री के लिए, देखिए फर्स्ट लेवल पे मार्केट ने कहां पे टच किया था, फर्स्ट लेवल पे मार्केट ने टच किया था इस जगह पे, कहां पे, ये देखिए, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, और ये हाई, ठीक है। एग्जैक्टली सप्लाई को टच किया और मार्केट नीचे के लिए पुश किया। तो हमको भी यहां पर देखना होगा बहुत ही ध्यान से कि ये जो मार्केट है नीचे, देखिए ब्रेक दिया है, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा था कि हम लोग को एक अच्छा सा ब्रेकिंग चाहिए, मतलब एक रियल ब्रेकिंग चाहिए। किसको किसको लग रहा है कि ये रियल ब्रेकिंग है, दिस इज द क्वेश्चन। किसको किसको ये लग रहा है कि ये जो नीचे ब्रेक डाउन हुआ है ये ओरिजिनल है या फेक है, बोलिए। उसके बाद हम लोग अभी यूरो यूएसडी में भी चेक करेंगे यही चीज। किसको किसको लग रहा है कि ये रियल ब्रेक डाउन है या फेक ब्रेक डाउन है, बताइए प्लीज। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ये मैंने मार्क कर दिया। गाइस बताइए जल्दी से, नो आइडिया, इसके लिए कोई आइडिया नहीं है, फेक है, करेक्ट करेक्ट आंसर है। अभी देखिए फेक हमें अब कैसे पता चल रहा है इसमें, देखिए ये जो सेक्शंस होते हैं ना, ये बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग होता है, ट्रैप करने के लिए होता है कि जो भी सेलर्स यहां पर ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है सप्लाई जोन है तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तो लोग यहां पर सेल करने के लिए बैठेंगे।
और जैसे सेल करने के लिए बैठेंगे तो हम इसको ऊपर मूव करा देंगे। यहां पर फेक कैसे बना हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए पहली बात, ये जो हमारा लेवल था, जो हमारा ये लो था, ठीक है। अभी देखिए एक गुड ब्रेकिंग क्या होता है कि एक अगर रेड कैंडल आया है तो दूसरा भी कम से कम एक रेड कैंडल और बनना चाहिए ना, तभी तो हमारा कंफर्म होता है ना कि हाँ ठीक है हमारा ये जो है लेवल ब्रेक हो गया। बट इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए नीचे विक दिया, अगला ग्रीन कैंडल, तो ये तो वैसे भी ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा देखिए एक हल्का सा नीचे के लिए ब्रेक देंगे, ब्रेक दिया, अगला एक और कैंडल ग्रीन, यानी कि मार्केट जो बायर से उसको नीचे क्लोज करने ही नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट में देखिए एक और सेलिंग दिया, बट नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन, और उसके बाद में जो नेक्स्ट उसने ग्रीन क्लोज ही कर दिया अंदर के लिए। तो ये जो तीनों प्रोसेस में मार्केट ने हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करी है, ये तीनों को तीनों फेक है। तीनों प्रोसेस में हमारे पास में फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने सो डिसाइड किया हाँ अंदर इसने क्लोजिंग दे दिया, मार्केट पूरा का पूरा उसने ऊपर को उठा दिया। तो यहां से हमारा कोई भी सेल का एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाया था। यही सेम चीज मैं आपको दिखाऊंगा यूरो यूएसडी में भी। आइए चलते हैं एक बार यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी में तो काफी क्लियर ही दिया था हम लोगों को, ये देखिए इसका D1 पे चाहिए, ठीक D1 पे गए, और ये इसका हो गया सप्लाई जोन, H1 गए। अब ये देखिए हमें क्या चाहिए था, लोअर लोस, मार्केट ने क्या दिया, देखिए हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ये दिया रीसेंट सपोर्ट, यानी कि जो रीसेंट लो था ये हमारा होल्ड ही रह गया, ये तो साफ साफ होल्ड रह गया, इसमें तो मार्केट कुछ कर ही नहीं पाई। हाँ यहां पर मैं क्या देख रहा था, यहां पर मैं ये देख रहा था कि मार्केट ने लिक्विड ग्रैब किया था यहां पे, तो एक एंट्री यहां पर हम लोग को बाय की जरूर बन सकती थी। अगर आप इसमें भी एंट्री नहीं लेते बाय का तो आप इस पे ले सकते थे इस वाले पे, क्योंकि मार्केट ने यहां पर फिर से लिक्विड ग्रैब किया और उसके बाद क्लोजिंग इसने अंदर दे दिया। ये जो लो था हमारा ये ब्रेक हो ही नहीं पाया, तो भाई जब ये ब्रेक हो ही नहीं पाया, हमारा लो ब्रेक ही नहीं हो पाया, तो सेल की हमारी एंट्री तो एक्टिवेट हो ही नहीं सकती, कोई पॉसिबल ही नहीं है। बाई की आप लोग जरूर प्लान कर सकते थे। बाई की प्लान कैसे करते हैं, लिक्विडिटी के बाद, ये लिक्विडिटी जो हमारी ग्रैब हुई है ना इसके बाद, लेकिन सेल का कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं था यहाँ पे। और उसके बाद में आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट एग्जैक्टली ऊपर की तरफ उड़ गया, मार्केट ही आया और ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो मार्केट अभी भी देखिए हाई दिया, अगेन हाई, अगेन हाई, अगेन हाई, और अभी ये रनिंग है, और इसने इसका जो प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट उसको क्लोजिंग करने वाला है। तो जैसे ही हमारा कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम लोग यहां से क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ मार्केट हमारा टिल नाउ अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, किसके हिसाब से, H1 के हिसाब से। तो अगर मार्केट को डाउन आना है तो हमारे पास में कौन सा लेवल अभी होल्डिंग है, फिलहाल अभी यही वाला लेवल है जो पहले था, वही लेवल अभी भी है। तो मार्केट को फिर ये ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से, और एक क्लियर ब्रेकिंग चाहिए, फेक नहीं चाहिए। यहां पे सेल करना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मार्केट रिट्रेसमेंट इधर करने आएगा, देन आप यहां पे सेल करोगे, ठीक है ना। सेलिंग के लिए हम लोगों ने बात किया, अगर मार्केट इस लेवल को फॉलो अप लेता है तो ठीक है, यहां पे हमको लो को ब्रेक करेगा, या मार्केट ये दे करके एक और हाई दे दे उसके बाद में इस लो को ब्रेक करेगा, देन हम लोग प्लान करेंगे सेल का, अदरवाइज नहीं। दूसरा अगर हम लोग बाई का सेक्शन समझेंगे यहां पे, ठीक है, अगर हम लोग बाई का सेक्शन समझते हैं तो देखिए लो आया मार्केट, हाई देने दो इसको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हाई देने दो, ठीक है, इसको और क्लियर हाई देने दो यहाँ पे, और ये देने के बाद मार्केट करेक्शन करता है, चैनल लगाइए, ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहां पर अगर आप जितने भी एंट्रीज देख रहे हैं ये सारा का सारा करेक्शन पे है, ये सारा का सारा एंट्री आपका करेक्शन पे है, करेक्शन 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 करेक्शन
करेक्शन, मार्केट रिपीटेडली क्या कर रही है, अपने करेक्शन को बनाती है और एक नया हाई बनाती है, फिर करेक्शन बनाती है, फिर एक नया हाई बनाती है, फिर करेक्शन बनाती है, फिर एक नया हाई बनाती है। तो यहां पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ठीक है, मार्केट को पहले एक नया हाई देने दीजिए, पहले अच्छे से क्लियर हाई, अभी पूरा क्लियर हाई नहीं हुआ है, इसके ऊपर में हमें मार्केट ने क्लोजिंग अभी नहीं दिया है, ये हाई है अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो पहले क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है हाई देने दो, उसके बाद में करेक्शन देखना है, देन चैनल डाल करके ब्रेकआउट देखना है और प्लान करना है ऊपर का। ठीक है, तो दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, यूरो यूएसडी का अगर मार्केट सेलिंग का प्लान करेगा तो सेलिंग का प्लान करने के लिए मैं बोलूंगा, मैं चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि मार्केट ये दे ले क्लियर, इसको हाई ब्रेकिंग दे दे, उसके बाद में एक और लो दे करके एक और हाई दे दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, ठीक है, और अगर हम इस वाले लो पे ही अगर हम लोग काम करना होगा तो ये वाला हाई, ये जो लो है ना, ये काफी बड़ा बनेगा, तो इससे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, या तो हम रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है दोनों केस में। तो ये यूरोजी के साथ में केस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, बाई और सेल दोनों में से कोई एक लेवल हमारा एक्टिवेट होगा, दूसरा इसके अलावा मार्केट ये लेवल को पूरा ब्रेक कर सकती है, जो हमारा ये सप्लाई जोन था यहाँ पे, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है, ठीक है ना। तो यही दो तीन केस हमारे पास में यूरो यूएसडी में डेवलप होंगे, गाइस क्लियर है। ठीक है, ओके। अभी जो करेक्शन है ना, करेक्शन करेक्शन पे कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मार्केट में जो सबसे ज्यादा वर्क करता है वो आपका वर्क करता है वेब एनालिसिस, और वेब एनालिसिस के अंदर हमारा वर्क करता है एलियट वेब। तो हम लोग इसीलिए हमने आप लोगों को कल टास्क भी दिया था कि आप लोग एलियट वेब के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया एलियट के ऊपर में, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो लेट्स सी आज हम लोगों को क्या समझना है। देखिए काउंटिंग के लिए मैंने आपसे कल कहा था, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करो इलियट वेब के लिए, तो व्हाट यू कैन सी, आप फास्ट वेब को सबसे पहले काउंट करो, आप फास्ट वेब को सबसे पहले काउंट करो, ठीक है। तो ये जो आप वेब देख रहे हो ना, ये वाला, दिस कुड बी योर करेक्शन, अगर आप इस नजर से देखेंगे, जैसे मैं इसको देख रहा हूं, ये देखिए, ये आपका एक करेक्शन मोड हो सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके प्रीवियसली आप देखो, ये सेम काम कर चुका है मार्केट पहले भी, कुछ नया नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट नीचे आया, देखिए एक वेब, दो वेब, तीन वेब, चार वेब, पांच वेब, यानी कि पांच वेब में इसने अपना, हालांकि पांच नहीं है, ये बनाकर दिखाया गया है कंफ्यूज करने के लिए पांच, एक्चुअली में है ये तीन ही, ये एक्चुअली में ऐसे है, देखो ये ऐसे है सेम, ये इसी तरीके से ये आपका ऐसे साबित हो सकता है, ठीक है। तो आप इस पे एंट्री कैसे प्लान, देखिए या एक तो एंट्री में ना डिस्कशन कर लिया यहाँ पर, जो क्या हो सकता है वो हमने पॉसिबल डिस्कशन कर ली, दूसरा मैं बोलता हूँ कि ये जो लेवल है, जब मार्केट हमारे इस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेक डाउन देता है, जैसे कि आप इस वाले केस में देखो मार्केट ने कितना स्ट्रांगली इसको ब्रेक डाउन दिया इस लेवल को, ठीक है ना, तो अगर ये ब्रेकडाउन देता है देन हम लोग फिर वहां से सेलिंग का प्लान फिर से कर सकते हैं, तो ये हमारा लॉन्गर इस व्यू पे हो गया। मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो लो करेक्शन, लो करेक्शन, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस वन लो, और अगर मार्केट ये नहीं करता है, ठीक है, अगर मार्केट बोलता है कि नहीं भैया हमारा करेक्शन तो डन हो गया है, अब हम नीचे नहीं जाएंगे, तो ये क्या करेगा फिर, देखिए लो हाई लो हाई लो हाई लो, तो ये जो लेवल है ना इसको ये ब्रेक करेगा, अगर ट्रेंड चेंज करना है इसको तो ये वाले लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब हमारा जाकर के ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है ना, कि जब तक ये होल्ड है तब तक हम लोग सेलिंग साइड में बैठे हुए हैं, गाइस क्लियर है ना। मैंने आपको एलियट को काउंट करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, कोई बताएगा ट्रिक क्या था वो,
एलियट को काउंट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, किसी को याद है? मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप, यस करेक्ट करेक्ट गाइस, तो अभी देखिए यहां से एक चीज और आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक चीज समझिएगा हमेशा कि आपको कई बार मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अब जैसे ये वाला मूव हम लोग अगर देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है ये फास्ट है और क्या ये लॉन्गेस्ट है? बोलिए क्या दोनों बात से एग्री है मेरे? करेक्ट है। तो अगर हम लोगों ने इसको थर्ड मानते हैं, देखिए देखिए हमें सारी चीजों को समझ करके लेके चलना होता है, हम लोग किसी भी चीज को, डिसीजन को रैंडमली या बहुत जल्दी नहीं ले सकते। इसको हमने थर्ड बोला, ठीक है, तो सेकंड नीचे बनेगा ना, नीचे की तरफ आएगा, तो मैंने कहा हाँ भैया ठीक है सेकंड हो गया। अब फर्स्ट ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ ये फर्स्ट बन गया। ओके तो 1 2 3, अब ये जो आप देख पा रहे हो क्या आपको लग रहा है ये फोर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। जो सिचुएशन है इधर ऐसा बन रहा था, क्या ये भी तो ऐसा बन रहा है ना कुछ इसी तरह का, राइट? तो अगर ये फोर्थ होगा तो हम लोगों को एक मूव पांचवा नीचे के लिए देखने के लिए मिल सकता है। गाइस क्लियर हो रहा है? यहां से दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स मार्केट हमारा ऐसा बिहेव कर रहा है। देखिए यहां से हमने 1 लिया 2 लिया, ये हमने पूरा को 3 लिया, तो ये क्या बन गया फोर्थ, फोर्थ ये बन गया, तो हमारा ये फिफ्थ होगा। लेकिन अब बात ये है कि हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो हमारा फर्स्ट वेव का लो होगा उसके अंदर में बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, याद है ना? फोर्थ वेव की कंडीशन क्या थी गाइस, बोलिए फोर्थ वेव की कंडीशन क्या थी, याद है किसी को? गाइस किसी को फोर्थ वेव कंडीशन याद है, एक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब यहां पर क्या होगा, एक का लो है यानी कि फर्स्ट का लो, तो लो कौन सा है, ये है, राइट? तो अभी देखो बॉडी क्लोज हुआ नहीं है, अभी अंदर तो जा रहा है बट बॉडी क्लोज नहीं हुआ है। अगर मार्केट ये करे ऐसा क्या कि ऐसे ऊपर में जा करके अगर क्लोजिंग नीचे देता है इस तरह से, तो
तो एक ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है सेलिंग के लिए, फिफ्थ वेव के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में और आपको क्या चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको लोअर लो चाहिए। ये आप देखना कभी मत भूलना, ये नहीं कि बस कैंडल मार्केट ने बना दिया तो हम यहां से सेल कर लिए, नहीं ये नहीं। कैंडल मिल गया अच्छी बात है, लेकिन हमको लोअर लो भी चाहिए। वो हमको कहां दिखाई पड़ेगा, 1 घंटे पे टाइम फ्रेम पे या M30 पे, ठीक है ना। तो ये एक हमारा पॉसिबल मूव यूरो यूएसडी के लिए लॉन्ग टर्म पे हम लोग ये प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट ये फॉलो नहीं करता है। देखिए हम लोग पूरा भी किस पे यूज कर रहे हैं, हम लोग एलियट वेब को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एलियट वेब का यूज कर रहे हैं। अब अगर मार्केट इसको फॉलोअप नहीं करेगा तो ये वाला हाई को ब्रेक करेगा, ये वाला हाई, ठीक है ना। तो जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग ये जो काउंटिंग होगी ये हमारी हो जाएगी इनवैलिड। ये हमारी काउंटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अभी तक फिलहाल ये वैलिड है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया या इसके अंडर में क्लोजिंग दे दिया कैंडल, तो वहीं से ही हमारी काउंटिंग इनवैलिड हो जाएगी। गाइस क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग अभी और आगे क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ एलियट वेव, ठीक है। एलियट वेव के टाइप्स कितने हैं, तो हम लोग अगर देखते हैं तो मेजर हमारे पास में दो तरह के टाइप्स निकलते हैं एलियट वेव के ऊपर में। एलियट के ऊपर में हमारे पास में दो तरह के वेव्स निकल के आते हैं, कौन कौन से, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गोल्ड में और यूरो यूएसडी में। पहला जो निकलता है वो निकलता है इंपल्सिव वेव, पहला जो निकलता है वो निकलता है इंपल्सिव वेव, और दूसरा जो निकलता है वो निकलता है करेक्टिव वेव, करेक्शन वेव बोल दीजिए या करेक्टिव वेव बोल दीजिए, ठीक है गाइस। आपको क्या पता है कि ये जो पूरा मार्केट चलता है ना, ये होल मार्केट रन बाय ओनली दीज टू वेव्स, एक इंपल्सिव काम करेगा और एक करेक्शन काम करेगा बस, इसके अलावा और मार्केट में कोई वेव नहीं बनती है। लेकिन इस इंपल्सिव के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के वेव डेवलप होते हैं, हमको वो जानना जरूरी है। इलियट वेव की कितने टाइप्स बनेंगे गाइस, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, इलियट वेव की कितने टाइप्स बनेंगे। इलियट वेव अपने आप में कितने टाइप्स होते हैं इसके, इलियट वेव के कुल कितने टाइप्स होते हैं, करेक्ट दो होते हैं ना। बाकी लोग प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा ये अपडेट रहिए, जिग्नेश भाई है, मयूर भाई है, पूजा जी हैं, प्रियंका जी हैं, प्लीज थोड़ा आंसर करते रहिए ना, कम्युनिकेशन बना रहेगा। विद्याधर जी है, उमेश भाई है ना, करेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मार्केट भाई लोग पता है इसीलिए चलता है। अभी देखो आप किसी भी जगह पे ले लोगे ना, कोई भी जगह ले लो, जैसे कि हम लोग यूरो यूएसडी का 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं, देखो इसमें अगर देखोगे तो आपको पूरे के पूरे वेव में यही चीजें मिलेंगी, इंपल्सिव और करेक्शन। लेकिन ये मिलेंगी वो तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि इंपल्सिव करेक्शन होता क्या है, तब तो वो चीज समझ में आएगा ना। देखो इंपल्सिव जब वेव बनती है मार्केट में, जब मार्केट में इंपल्सिव वेव बनता है तो या तो वेव नीचे से ऊपर की तरफ फास्ट जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में जाएगा, वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल, और जब करेक्ट, या तो नीचे से ऊपर की जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जब करेक्टिव बनेगा, करेक्टिव, तो करेक्टिव बनने के बाद मतलब वो मार्केट हॉरिजॉन्टल चलेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें वर्टिकल था और इसमें हॉरिजॉन्टल चलेगा, ओके। तो जहां पर भी देखो कि मार्केट हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग भी बोलते हैं इसको, टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि
टाइम ज्यादा लेता है वहां पे मार्केट मूव करने में, ठीक है, और इंपल्स में फास्ट जाता है ना, फास्ट मूव करता है। जैसे आप हो, आपने रनअप किया, थक गए तो आराम किया, फिर चले, फिर थक गए, फिर आराम किया, फिर चले, फिर थक गए, आराम किया, फिर भागे, फिर थक गए, आराम किया। सेम यही सिचुएशन पे मार्केट चलती है ये वाली। तो जब आपके यहाँ एनर्जी आई, इंपल्सिव बनाएगा, जब थक गए करेक्टिव बनाएगा, फिर अपने एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर एनर्जी आई इंपल्सिव बनाया, फिर थक गए करेक्टिव बनाया, फिर एनर्जी आई इंपल्सिव बनाया, थक गए करेक्टिव बनाया। यही मेन साइकिल से मार्केट खुद को रन करता रहता है और कुछ भी नहीं है इसे। पता, सबसे इंपॉर्टेंट बस हमारे लिए ये होता है कि हम लोग करेक्शन पैटर्न को फाइंड आउट कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि भैया पहले इंपल्सिव बनती है, देखिए पहले इंपल्सिव बनती है और इंपल्सिव के बाद में क्या बनती है, करेक्टिव, यानी कि मार्केट एग्जॉस्ट होता है, थकता है। तो जो थकने वाला फेज है वो खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमको किसी भी तरह से ये पता चल जाए कि अच्छा ये जो करेक्शन है ये यहां पर खत्म कर रहा है, तो हम उसके न्यू इंपल्सिव में एंटर कर सकते हैं और यहां से हम लोग काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। पूरा का पूरा जो मार्केट का कंपटीशन है ना, वो यही है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट को ये इंपल्सिव मोड चल रहा है या करेक्टिव मोड चल रहा है, और कब हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कब हमारा करेक्शन खत्म हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई यही है। अभी अगर हम लोग यहां से यहां तक लेते हैं तो देखो इस पूरी वेव में देखना, हम लोग सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो, इंपल्सिव फास्ट करेक्शन, इंपल्सिव फास्ट करेक्शन, इंपल्सिव फास्ट। अब ये जो करेक्शन हुआ है ना गाइस, ये पूरा मिलाकर करेक्शन बना है, इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। अभी ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, फ्लैट करेक्शन पैटर्न, और आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो ये भी टाइम कंज्यूम हुआ है, यहाँ पे देखो टाइम कंज्यूम हुआ है, ठीक, इंपल्सिव करेक्शन, ठीक है, इंपल्सिव, और ये एक ट्रैपिंग थी मार्केट के द्वारा, ठीक है, ये एक ट्रैपिंग थी मार्केट को, जानबूझ करके मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को डेवलप किया था ट्रैप करने के लिए, ठीक। उसके बाद देखो, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, तो ये क्या बन रहा है गाइस, करेक्शन लग रहा है ना। देखो मार्केट टाइम कंज्यूम कर रही है अपना, काफी टाइम लग, देखो हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, काफी सारा टाइम लग रहा है। जब मार्केट अपना इंपल्सिव मूड लेता है ना, तो काफी फास्ट भागता है नीचे की तरफ, तो काफी फास्ट भागा यहाँ पर, काफी फास्ट भागा यहाँ पर, काफी फास्ट भागा। तो ये हो ना हो 99% या 95% बोलूंगा कि ये करेक्टिव मोड है। तो जब करेक्टिव मोड है तो फिर मार्केट को एक स्टेप नीचे आना चाहिए, और अगर मार्केट ये नहीं करता है तो फिर ये वाला हाई ब्रेक करेगा ये, और जब ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या करेगा, लो हाई लो, ये हाई ऊपर, यानी कि अप ट्रेंड बनेगा। फिर तो मार्केट जब इधर नीचे आएगा ना, तो फिर हम लोग यहां से बाय का प्लान करेंगे लॉन्ग टर्म पे। तो दोनों केस हमारे पास में सेटअप है कि मार्केट क्या करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ये करेगी तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक करेक्शन मोड जैसा डेवलप हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट टाइम कंज्यूम कर रही है इस एरिया में, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट टाइम कंज्यूम कर रही है। तो दिस कुड बी योर करेक्शन, इसी वजह से मार्केट यहां पर इतना टाइम कंज्यूम कर रही है। तो जब इसकी ब्रेकिंग होगी ना ये इधर, तो हम लोग यहां से एंट्री का प्लान कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, ये करेक्शन था, ब्रेक डाउन हुआ, एक काफी स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल बन गई, ठीक। कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि हमें पता होता है कि मार्केट किधर मूव करेगा, ठीक है, लेकिन मार्केट की चालाकी थोड़ी इतनी हो जाती है ना कि वो इतनी बड़ी कैंडल दे देगा कि आप एंट्री नहीं कर पाओगे। ये चीजें भी होती है। अब जैसे कि ये वाला केस देखो, हम लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि यार ये मार्केट करेक्शन बना रही है, टाइम कंज्यूम कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो टाइम कंज्यूम कितना कर रही है। अब टाइम कंज्यूम का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो, पता है, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब ये हो गया कि प्राइस एक ही एरिया के बीच में काफी कैंडल्स बना रही है, ठीक है, एक लिमिटेड एरिया के बीच में ही वो
काफी ज्यादा कैंडल्स को डेवलप कर रही है, बस टाइम बस आपका खराब कर रही है बहुत ज्यादा। मतलब कहते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाना, थकावट, थक गई है मार्केट चल करके। ठीक है, अभी जैसे अगर हम लोग यहां से यहां तक देखते हैं, ये वाला सेक्शन देखो, तो यहां से लेकर यहां तक आने में मात्र 4 कैंडल लगे, 1 2 3 4, और बहुत लंबी वेव मिली यहां पे। फिर यहां से लेकर यहां तक देखो, कैंडल छोटे ही बने, बट कैंडल कितनी लगी, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल लिया, और स्पेस कितना कवर किया, जस्ट इतना। प्राइस कितना कवर किया, इतना। जबकि ये 1 2 3 4 4 कैंडल थी, बट देखो इसने कितना एरिया प्राइस कवर अप किया। अब ये देखो सिंगल कैंडल कितना एरिया कवर किया इसने, सिंगल कैंडल, और इतने कैंडल्स मिला करके कितना कवर कर पाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर टाइम कंज्यूम किया। तो इन्हीं चीजों को हम लोग पता कर लेते हैं, पता करके ये देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट जो है टाइम कंज्यूम कर रही है, तो इसका मतलब कि वो एक करेक्शन पार्ट हो सकता है मार्केट का। ठीक है, तो अब करेक्शन पार्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर को निकलेगा करेक्शन के बाद में नीचे की तरफ। किसी किसी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, बताइए किसके किसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि भाई करेक्शन का मतलब पता चल गया, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब पता चल गया, लेकिन मार्केट किधर से किधर जाएगा करेक्शन को ब्रेक होने के बाद या करेक्शन खत्म होने के बाद में, ये क्वेश्चन किसी किसी माइंड में चल रहा है, एक बार प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, उज्जवल जी का आंसर काफी अच्छा है और जिग्नेश भाई ने भी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है गाइस, मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग, देखिए एक बहुत ही आसान तरीका है पता करने का कि मार्केट किधर जाएगी। मार्केट साइकिल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर इंपल्सिव वेव ऊपर से नीचे आई और करेक्शन बना, तो मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। मार्केट फिर से अगर इसने करेक्शन बनाया, तो मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड क्या था, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आया, कंटिन्यू करेगा। करेक्शन बनाया, टाइम कंज्यूम किया, ट्रेंड पिछला किया था, डाउन ट्रेंड, नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा। सेम इसी का अपोजिट, मार्केट ऊपर में गया, टाइम कंज्यूम किया, करेक्शन लिया, ऊपर गई, टाइम कंज्यूम किया, करेक्शन किया, ऊपर गई, टाइम कंज्यूम किया, करेक्शन किया, ऊपर गई। गाइस क्लियर हो रहा है बात? एक्चुअली में ट्रेडिंग सच में है तो बहुत आसान, दिस इज ट्रू, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एंट्रीज की ना, तो एंट्रीज करने के लिए हमारे दिमाग का फिर दही हो जाता है। एंट्री और एग्जिट, सारा का सारा दही यहां पर निकल जाता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि आप सारी चीजों को आइडेंटिफाई तो कर लेते हो, लेकिन जैसे ही बात एंट्री की आती है, तो ये नहीं समझ में आता है कि यार हम यहां पे एंट्री करें, इसके ब्रेकिंग पे एंट्री करें कि क्या करें। अब सपोज करो कि आपने प्लान किया कि ठीक है चलो करेक्शन तो हो गया, ये दिख रहा है साफ साफ करेक्शन दिख रहा है, आपने बोला ठीक है भैया ये तो टाइम कंज्यूम कर रहा है, लाओ यहाँ पे एंट्री कर लें। अब आपने एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, तो मार्केट ने क्या बोला, अरे नहीं भैया हम तो और डाउन आएंगे, लो ये चला गया आपका स्टॉप लॉस। आपने बोला अरे भैया ठीक है स्टॉप लॉस दे दिया, फिर से लाओ एक बार एंट्री करते हैं, तो करेक्शन मोड है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, मार्केट ने बोला अच्छा ऐसी बात है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाए हो, ये लो, फिर बाहर। अब आपका दिमाग खराब होगा, आप बोलोगे अरे यार छोड़ो एंट्री नहीं करेंगे, जैसे आपने प्लान किया मार्केट फिर से उड़ गया, ये होता है मार्केट। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज दिखाता हूं, इसी का दूसरा सेक्शन देखो, जैसे आपने बोला भाई मार्केट अप ट्रेंड था, करेक्शन दिया,
तो अब मैं इस बार जब मैं पिछले बार जब एंट्री इधर किया था तो मार्केट तो नीचे आ गई थी, तो मैं इस बार अब एंट्री ऐसे करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा ट्रेंड लाइन। जब हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूंगा। मार्केट ने कहा अच्छा भैया ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट ने ऊपर को ब्रेक दिया ऐसे, ये आपने बोला यार ये तो बढ़िया एंट्री है चलो यहां से, नहीं सॉरी, हाँ आपने बोला ठीक है जब इस बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो मार्केट ने कहा अच्छा भैया ठीक है ब्रेकआउट में एंट्री करोगे, ये लो कर लो एंट्री। अब कहाँ करोगे एंट्री, यहां पे करोगे क्या, स्टॉप लॉस देखा है अपना, ये चीजें होती है मार्केट में। और ये केस जो भी पर्सन ब्रेकआउट पे जाता है ट्रेड करने के लिए उसके साथ में ये केस आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये केस आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी जो सिक्योर वैसे एंट्रीज मानी जाती है, मतलब इसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन है उससे, सोल्यूशंस मतलब कि वही निकालेंगे ना कि कैसे क्या एंट्री कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं करेक्शन पे एंट्री करने के लिए। तो सबसे जो सेफेस्ट वे है वैसे वो है तो ब्रेकआउट ही, ये सही है, क्योंकि जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है तो आपको ये नहीं पता है कि यहां तक करेगी यहां तक करेगी यहां तक करेगी यहां तक करेगी, ये नहीं पता। लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट देती है तो वो हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अच्छा हाँ मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया। अब इसमें ब्रेकआउट वालों के साथ में क्या हुआ, अब इसमें तो इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया, अब इसी का दूसरा केस ले लो, इंपल्सिव दिया करेक्शन दिया ये मार्केट गई एक कैंडल, दूसरी कैंडल ये क्लोजिंग दिया, आपने बोला अरे यार ये तो बढ़िया हुआ यहां पर एंट्री प्लान करेंगे, प्रीवियस में तो हमको इतना बड़ा कैंडल दिया था एसएल तो हमारा बहुत बड़ा हो गया था, बट इसमें तो हमको बिल्कुल सही जगह पे इसने एंट्री दिया, आपने यहां पर एंट्री करी, जैसे आपने एंट्री करी लो भैया अगले कैंडल नीचे चला गया, आप फिर से मार्केट से बाहर हो गए। गाइस समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें आपके साथ में होती होंगी। और जैसे आप बाहर निकले उसके बाद अगला कैंडल ऊपर चला गया, उड़ गया मार्केट, ठीक है। तो अब यहां पर जो भी ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं उनको अपने हथियार को, या हथियार इन द सेंस की लर्निंग को, एक बड़े ही अच्छे लेवल से समझना पड़ेगा, अपने लर्निंग को बहुत ही बेहतरीन करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि ओरिजिनल ब्रेकआउट को देखो, देखने के लिए क्या होता है, लोग वॉल्यूम यूज करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम अच्छा है अगर ऊपर में बड़ा कोई विक नहीं है तो इसका मतलब कि वो कैंडल ठीक है, इस पे एंट्री कर लेना, ठीक है। बट कई बार ये चीजें भी फेल होती है, तो इसका सलूशन क्या है, सलूशन ये है कि हमको ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं वो तो देखना ही होगा, एक दो चीजें जो और एडवांस कॉन्सेप्ट है उनको यूज करना पड़ेगा। गाइस क्लियर हुआ, अरे मयूर भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ना एवरीवेयर इट विल वर्क। अब मैं देखो मैं गोल्ड दिखाता हूं, देखो गोल्ड देख लो, देखो गोल्ड एकदम बेहतरीन जा रहा है। अब देखो ये जो कैंडल है ना ये जो अभी रनिंग है, अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक करेगा तो फिर ये तो हमको वैसे भी फिर हमको लोवर को तो मिलेगा नहीं, तो भाई सेल करने के लिए दूर रहना, सेल मत करना, क्योंकि सेल करने के लिए हमको ये वाला जो लो है ना अभी फिलहाल हमारा ये वाला होल्ड है, तो ये ब्रेक होगा तभी हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है ओके। अब देखिए हम लोग बात करते थे कि क्या ये चीज काम करता है, देखिए अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब यहां से लेकर यहां तक देखो क्या हुआ मार्केट में, आपकी पूरी मार्केट चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे आपका फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो, सारे मार्केट यही दो चीजों से चलती है, क्या इंपल्सिव और करेक्शन, देखो इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, होपफुली देखें करेक्शन मिलेगा, ब्रेकआउट पे आप प्लान कर सकते हो। गाइस क्लियर है, अगर ये लो नहीं टूटा मार्केट ने करेक्शन दिया देन यू कैन प्लान
प्लान आफ्टर चैनल ब्रेकआउट। ठीक है, अब देखो यहां पर जो भी करेक्शन बन रहा है ना, अब सपोज करो कि हम लोग ने प्लान किया, हम लोग को ये पता चल गया, अभी तो हमने सीखा कि हाँ भाई जो पूरी मार्केट है वो इंपल्सिव के बाद में करेक्शन पैटर्न देती है, उसके बाद में आगे बढ़ जाती है या पीछे बढ़ जाती है, जो भी, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अब देखो अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, यानी कि आप इलियट वेव ट्रेडर हो, आपने बोला कि नहीं भैया मैं तो इंपल्सिव पे एंट्री करूंगा, तो आपके लिए ये देखो ये इंपल्सिव हुआ, तो आपने देखा कि भाई मार्केट ने ए दिया, बी दिया, सी दिया। अब ये अभी एबीसी तक समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझो कि मार्केट ने रेंज बाउंड दिया। ठीक है, अभी हम इसके हम लोग और आगे डीप में बात करेंगे। तो हमने कहा भाई मार्केट ने भी यहाँ पर रेंज बाउंड दिया, तो रेंज बाउंड दिया और रेंज बाउंड देने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पे, तब यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन जाएगी, स्टॉप लॉस के नीचे डाल दोगे इसी कैंडल के, और ये मार्केट ने आपको बेहतरीन दे दिया। ठीक, यहां से लेकर ये अच्छा है दिया। अब देखो ये इंपल्सिव यहाँ पे खत्म, अब यहाँ पे देखो फिर से मार्केट एग्जॉस्ट हुई, थक गई मार्केट, अब आप क्या बोलोगे यार मार्केट ब्रेकआउट करने दो। अब देखो इस बार एंट्री कहाँ करोगे, सीधे इसने ब्रेकआउट ऊपर में ही फिनिश किया, तो क्या यहां पर एंट्री करोगे? नहीं भाई यहां पर नहीं करोगे, क्यों? स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा देखो ना, क्लियर हो रही बात? स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर अ गुड ट्रेडर। अब देखो नेक्स्ट ये लिया, अब हमारे पास करेक्शन कौन सा, देखो अब इस बार जो करेक्शन बन रहा है ना भाई लोग, वो ये पूरा बनेगा, ये थोड़ा सा आपको जब आप और आगे पढ़ोगे समझ में आएगा। तो अब यहां पर देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये वाली तो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये आपकी एंट्री यहां पर थी, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे डालोगे इस जगह। मार्केट ने उठाया, पहले नीचे आया फिर उठाया फिर नीचे आया फिर पूरा उठा दिया, तो ये जो आप मूव देख रहे हो एक्चुअली इसकी वजह से था, ये वाला ये जो ब्रेकआउट हुआ ना इसकी वजह से था। ठीक है ना, आप सोचो कि ये अज्यूम करो कि ठीक है किसी को पता नहीं चला था कि, मतलब कि किसी को आइडिया नहीं था कि अच्छा ये ब्रेकआउट किसकी वजह से, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, हमने यहां से एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहां रखा और मार्केट को हम लोगों ने ये इधर ऐसे बुक कर लिया। ठीक, अब देखो इंपल्सिव फिर से, अब ये देखो ये करेक्शन, अब देखो ब्रेकआउट के लिए हमारे, देखो एक बार थोड़ा सा सही से ड्रॉ करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हाई लिया और ये देखो ये वाला हम लोग लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे ट्रेंड लाइन के लिए, मिला दिया, तो देखो ये ब्रेकआउट हुआ, इस पे लोगे स्टॉप लॉस नीचे रखोगे, यहां से भी आपकी एंट्री थी। ठीक है ना, यहां से भी एंट्री थी गाइस, यहां तक क्लियर हो गए नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जो लाइव ट्रेड चल रहा है मार्केट में मैं उसके हिसाब से सब चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा, आपने इतना तो सीख लिया, इतना आपने सीख लिया, अब पता है आपको प्रॉब्लम कहां पे होगा? देखो बताता हूं, यहां तक सबको डन है भाई, अभी ये काफी ऊपर निकल चुका है, ठीक है ना, तो यहां से फिलहाल बाई प्लान मत करना, मार्केट को आने दो नीचे, पहले एक यहां पर हमारा डिमांड जोन बनेगा, यहां पर हम लोग चेक करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि अब यहां पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा निकल जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूं। अभी देखो यहाँ पे, अब ये तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है मार्केट जो है करेक्शन पे हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, जब करेक्शन ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इसको एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक, अब देखो जब आपके पास में ये मार्केट बना नहीं होगा तब देखो कुछ ऐसे बनेगा, और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ने तो ऐसे बताया था कि मार्केट ऐसे इंपल्सिव जाएगी, करेक्शन लेगी, चैनल डालेंगे, ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेंगे, यही तो। अब देखो यहां पर यही चीज सेम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, थ्योरी बहुत आसान लगता है, प्रैक्टिकल करोगे तो टफ लगेगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे ओके ठीक है ये हाई हो गया मार्केट का, इंपल्सिव था, ठीक, और ये लो हो गया और ये हाई, करेक्ट, क्या करोगे आप बोलोगे कि ऐसा नहीं कहा था चैनल को ड्रॉ करने के लिए, चैनल को यहां से ले लो, चैनल लिया, हाई टू हाई, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हाई टू हाई, तो ये दोनों हाई ड्रॉ कर लिया ना, इसको नीचे खींच के ले आओ ऐसे,
तो आपने बोला कि भाई जैसे ही हमारा चैनल ब्रेक होगा देन हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो देखो अभी तक तो फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, ये देखो ठीक है ना, यहाँ पे हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोले ठीक है ब्रेक तो हो गया, लाओ यहां से एंट्री करें। एंट्री डाला, प्राइस ड्रॉ नहीं करने देता है करके भी। देखो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डालोगे, जो आपका रिसेंट लो है ना उसके नीचे आप स्टॉप लॉस डालोगे, और टारगेट ऊपर में 1:1, 1:2, अभी बता दूंगा टारगेट के लिए अवेलेबल्स। अब देखो नेक्स्ट क्या किया मार्केट ने, नीचे आया और क्या किया, देखो मेरे को बताओ क्या हुआ है आपके साथ, आपने चीजों को फॉलोअप किया ना एग्जैक्टली। मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस अचीव कर लिया ठीक है। अब इसी को अगर थोड़ा सा बड़ा रखते ऐसे तो आप बच सकते थे, लेकिन ये बातें तब समझ में आती है जब आपका स्टॉप हंट हो जाता है ठीक है, उसके पहले समझ में नहीं आती है। उसके पहले तो ये लगता है कि हाँ यार हम कम से कम अपना स्टॉप लॉस को डालें, यही लगता है। जब ये डालोगे तो देखो पहला आपका स्टॉप लॉस हो चुका है। तो स्टॉप लॉस होने का मतलब क्या हुआ पता है, स्टॉप लॉस होने का मतलब ये हो गया कि आपने जो ट्रेंड ड्रॉ किया था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, या कमी का मतलब लोग कमी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा भैया, ये करना पड़ेगा कि जो लो हम लोग इसको ले रहे थे उसके जगह पे जो नया हमारा लो बनेगा वो ये बनेगा। तो अपने चैनल को करोगे आप थोड़ा शिफ्ट ऐसे, इस तरह से करोगे ठीक है। अब इसका तुमको ब्रेकआउट देखना है, गाइस क्लियर हो रहा है, ये देखो ये तुम्हारा आ गया ब्रेकआउट। ठीक है ये ब्रेकआउट हुआ, क्या करेंगे लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग मतलब भाई यहां से कर लो, अगर डबल कंफर्मेशन है तो यहां से कर लो, कोई इश्यू नहीं है, कैंडल कोई खास बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट ऊपर का, और ये देखो हो गया। बोलो मार्केट ने क्या किया, पहले सोचना, मार्केट ने पहले एक चप्पट लगाया आपको, समझ रहे हो। एक्चुअली में दिस इज अ वे टू मेक करेक्शन, क्योंकि आपको चीज नहीं पता है और ये किसी को नहीं पता है, ये जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया ना मार्केट ने, ये मार्केट ही हमको बताएगा कि वो किस चीज को फॉलो करके चल रहा है, और ये हमने सेम चीज आपको वो दिखाया जो मार्केट में होता है आपके साथ में होता है ठीक है ना। तो जब आप चैनल को ड्रॉ कर रहे हो है ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन चल रहा है अभी ठीक है। जब आप चैनल को ड्रॉ कर रहे हो ना तो इनिशियल में आप यही ड्रॉ करोगे, आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप इनिशियल फेज में आप इसका हाई और इसका हाई, ये दोनों का हाई को आप कनेक्ट करोगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है इस पे, पूरा का पूरा विश्वास ठीक है। लेकिन भैया जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं तो हमको ये पता होता है कि मार्केट हमारे साथ में क्या क्या गेम खेल सकती है। मार्केट में विनर बनने का मतलब पता है आपको, मार्केट में विनर बनने का मतलब ये है कि उसके सारे सिचुएशन कि मार्केट हमारे साथ में क्या क्या कर सकता है वो हमें पता होना चाहिए। जिस समय आपको ये पता चल जाता है ना देन आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। अभी इस केस में हमको सब पता था कि हाँ मार्केट मैक्सिमम हमारे साथ में ये करेगा, ये सेम केस आपको इधर भी दोहराने के लिए मिल सकता है। अब इसी का देखो दूसरा केस, आपको अगर ये बोल देगा बंदा, अगर ये बोलेगा कि सर ऐसा है कि हमने जो है इसका हाई और लो ऐसा ड्रॉ कर दिया ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे देखो, जो कि सबसे बड़ी गलती, कुछ लोग ये बोलेंगे अरे भैया ये तो इम्पल्सिव है, मार्केट ने करेक्शन दिया, ये ब्रेकआउट दिया, और स्टॉप लॉस वो नहीं लगाएंगे, बोलेंगे ठीक है करेक्शन तो है, मार्केट ने टाइम तो एग्जॉस्ट किया ही है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, पता चला मार्केट यहाँ पे आई ये पूरा ही पलट गई। क्या ऐसा हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है।
अब ये जो मार्केट फर्स्ट फेज में यहां पर आई थी ना, ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आई थी, लिक्विडिटी को। जो भी लोग यहां पर बाई करने के लिए बैठे होंगे उनका लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और अपना क्या किया, ऑर्डर फिल किया, और ऑर्डर फिल करके यानी कि पेट्रोल की टंकी फिल करके और उड़ान भर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये पूरा केस था, बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। क्या करना है, करेक्शन पे चैनल को लगाओ, उसका ब्रेकआउट देखो। अगर ब्रेकआउट बहुत लंबा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बट अगर ब्रेकआउट आपके एरिया में है देन यू कैन प्लान योर एंट्रीज विद रूल, जो भी मैंने आपको आज समझाया है। गाइस क्लियर है? गाइज वही चीज मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये इसीलिए मैंने ये वाला एंट्री भी लिया, आपको समझाने के लिए लिया कि मार्केट में होता क्या है। जब हम एक चीज पे देखिए, मैं इस पे इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान वे भी है, और कुछ लोग इसको बहुत टफ वे भी बोलते हैं कि अरे इलियट वे तो बहुत टफ है, बट जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे इजिएस्ट वे में सिखा रहा हूं, ठीक है ना। मार्केट एक बार स्टॉप लॉस देगा, क्यों देगा, मार्केट की भी तो नीड है ना। आप खुद सोचो, एक सोचो, एक चीज एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको, आप यहां पे हो और आपको जाना है कहां, बी लोकेशन पे जाना है, ठीक है। आप ए जगह पे हो और आपको कहां जाना है, आपको बी लोकेशन पे जाना है, ठीक है। अब बी लोकेशन पे आप कैसे जा पाओगे भाई, ठीक है। बी लोकेशन पे आप कैसे जाओगे, बी लोकेशन पे जाने के लिए आपके पास में गाड़ी है, ठीक है ना। आपके पास में क्या है, आपके पास में सपोज फोर व्हीलर है, ठीक है ना, फोर व्हीलर है। तो जब तक आप यहां पर पेट्रोल पूरा नहीं, अब सपोज आपको 2 लीटर पेट्रोल लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, तो क्या आप 1.5 लीटर में आप काम हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। आप 1.5 में आप यहां पे बीच में ही फंस जाओगे। सेम मार्केट इसी वे से चलती है, मार्केट जब तक लिक्विड ग्रैब नहीं करेगी तब तक उसका टंकी फुल नहीं हो पाएगा, और जब टंकी फुल नहीं हो पाएगा तो वो फिर ऊपर का मूव ले ही नहीं पाएगा। जहां पे भी मार्केट लिक्विड ग्रैब करती है उसके बाद में उसका जो मूवमेंट होता है काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखो अब ये वाली कैंडल देखो, क्या एक नॉर्मल रिटेलर्स की औकात है क्या बनाने के लिए इस वाली कैंडल को, नहीं है ना। तो इस वाली केस में क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, और नेक्स्ट वाली केस में आपको ऊपर के लिए पहुंचा दिया, ओके। तो लिक्विडिटी को देखो, लिक्विडिटी को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसे फाइट नहीं करना है लिक्विडिटी से कि अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया अब क्या करें, नहीं। लिक्विडिटी आएगा तभी तो फिर मूव कर पाएगा आपका मार्केट, अगर लिक्विडिटी नहीं आएगा तो फिर मूव ही कैसे करेगा। हम लोग अगर 4 घंटे पे जाते हैं, यूरो यूएसडी में दिखाता हूं, रुके, यूरो यूएसडी में भी मार्केट ने सिग्नल यही दिया था लिक्विडिटी का, ऊपर जाने से पहले दिया था, ये देखिए 1 घंटे में दिखाता हूं आपको, याद करिए हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था। हम लोगों ने प्लान ये किया था कि भैया ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट है, यानी कि रिसेंट लो है, तो मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग उस सेल का प्लान करेंगे। बट मार्केट देखो क्या किया, पहले आया लिक्विड लिया ऊपर चला गया, तो इट वॉज ए इंडिकेशन कि नहीं भैया हम नीचे नहीं ऊपर जाना चाहते हैं, लिक्विडिटी से इंडिकेशन मिलता है। सेकंड देखो, अब याद करो मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर उसको 100 का ऑर्डर फिल करना है, एग्जाम्पल के लिए अगर 100 टन का एग्जाम्पल फिल करना है या 100 का एग्जाम्पल फिल करना है, तो यहां उसने कुछ 50 किया बट पूरा कितना करना है 100, तो दोबारा फिर से वापस आई और यहां पर फिर से इसने लिक्विड लिया और तब जाकर के साथ 100 पूरा किया, और उसके बाद में पूरा फ्लाई कर गया। तो जहां पर भी लिक्विडिटी काम कर रहा है वहां पर इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। ये देखो, इसका लो लिया मार्केट उड़ गया, इसका लो लिया मार्केट उड़ गया, ठीक है। आपको ये मोस्ट जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, और दिखाता हूं लोगों,
बिना लिक्विडिटी के कोई काम नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो आप चलोगे कैसे? ये देखो, ये लो था, ये देखो लिक्विडिटी लिया, उड़ गया, ठीक। उसके बाद देखो, इसका लिक्विडिटी ये लिया, ये उड़ा, उसके बाद ये लिक्विडिटी इसका नेक्स्ट ये लिया और ये उड़ गया। क्या हो रहा है मार्केट? मार्केट ये ऊपर में गया, नीचे गया, फिर ऊपर में गया, इसका लिक्विडिटी लिया प्रीवियस का, फिर उड़ गया, फिर क्या किया, इसके प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया, फिर उड़ गया, ठीक है ना। मार्केट क्या कर रही है? ऊपर जा रही है, प्रीवियस लिक्विडिटी ले रही है, उड़ जा रही है। यही वर्क होता है, इस तरह से काम होता है मार्केट में। तो स्टॉप लॉस होंगे, इट्स मीन कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगा ही नहीं तो फिर मार्केट चल नहीं पाएगा। आप इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये हाई था, ये सारा का सारा यहां पर लिक्विड लिया मार्केट ने, देखो सबको बाहर निकाला, नीचे आया, ठीक। यहां पर देखो, हाई था, लिक्विड लिया, नीचे आ गए। तो लिक्विड से घबराना नहीं है, लिक्विड से हमको ये है कि हमको टेकल कैसे करना है। ये देखो यहां पर आया, हाई था, लिक्विड लिया, मार्केट पूरी नीचे आ गए। अब देखो यहां पर जो करंट में यूरो यूएसडी चल रहा है ना, ये देखो जो करंट में यूरो यूएसडी चल रहा है अभी, ये देखो क्या हुआ है यहां पे, H1 पे है ना, ये हाई था इसका, एक कैंडल तो बाहर क्लोज किया है, अभी सेकंड कैंडल का पता नहीं है। अभी 4 घंटे पे अगर वो जाते हैं या 2 घंटे पे जाते हैं, एक बार देखो 2 घंटे पे भी उसने ऊपर क्लोज दे दिया है, 3 घंटे पे जाते हैं तो ऊपर क्लोज दे दिया है, 4 घंटे पे जाते हैं एक बार, तो 4 घंटे पे स्टिल रनिंग है ये। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर ये क्लोजिंग नीचे देता है तो ये पॉसिबिलिटी ये भी बन जाएगा कि अच्छा ठीक है, मार्केट लिक्विड लेकर के नीचे आ सकती है। समझ रहे हो बात? इसी वजह से हम लोग ये बात कह रहे थे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इलियट का ये स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, पॉसिबिलिटी है। और इसके लो के अंदर है ना, क्या है लो हमारा, ये इसके लो के अंदर अगर क्लोजिंग आता है तो हमारा ये इलियट का स्ट्रक्चर जो है इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रीसेंट हमारे पास में हाई ये है, अगर मार्केट इसके लिक्विड लेकर के क्लोजिंग नीचे करेगा तो एक सेल का प्रेशर जरूर बनेगा, यूरो यूएसडी पे सेल का प्रेशर जरूर बनेगा। गाइस क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, रखते हैं फिर सेशन को इतना ही। आई होप कि चीजें काफी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये भी हमारे काफी सारे डिसीजन गलत करवाती है, फोमो, FOMC। अरे सॉरी, आपने क्या, अच्छा FOMC, उसका न्यूज की वजह से था। देखिए मैं थोड़ा अपना बताता हूँ, पर्सनली मैं न्यूज को ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। आज शायद FOMC का न्यूज होगा, उसके बारे में बोल रहे हैं, तो मैं न्यूज पे ट्रेड ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि न्यूज कई बार क्या कंफ्यूज कर देती है। गोल्ड का रिट्रेसमेंट, देखिए बालू घाटे भाई, देखो मैं ना ये वाला लेवल पे प्रेफरेंस करूंगा अगर मुझे बाय करना है तो, क्योंकि मेरे लिए ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। एक तो ये लेवल यहाँ पॉसिबिलिटीज बन सकता है, और दूसरा ये जो मार्केट ने हाई ब्रेक किया है हमारा, तो क्योंकि स्ट्रॉन्गली हाई ब्रेक किया है तो हमारा अब ये जो लेवल है रेसिस्टेंस के जगह अब सपोर्ट के काम करेगा। तो यहां पर देखूंगा कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग वे दिखाती है, अगर मार्केट क्या दिखाती है, अगर मार्केट यहाँ पर ये दिखाती है, रिजेक्शन कैंडल्स वगैरह दिखाती है और लिक्विडिटी लेती है, देन हम लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये। और ये जरूर मैं चेक करूंगा कि इस लेवल पे हमको हायर हाई मिलना चाहिए, H1 पे है तो हमको M15 पे मैं हायर हाई जरूर चेक करूंगा अगर मुझे बाई करना है तो।
ठीक है, क्लियर है? ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर न्यू सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और थोड़ा सा प्लीज प्रैक्टिस करिए आप लोग भाई। ये थोड़ा सा क्या है ना, अभी आप लोग को इसे पता चल गया है, अभी मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हाँ देखिए, ये चीज मेरे से पूछने से अच्छा है कि आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है ना? ये चीज अब आप इतना तो एलिजिबल हो चुके हो ना कि हमें पता, हम लोग पता कर पाए इस चीज को कि कौन सी बाई जाएगा, कौन सा चीज सेल जाएगा। अभी उन्होंने बात किया ना, क्या क्या बात की हम लोगों ने, हम लोगों ने बोला था सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, इंपल्सिव के बाद करेक्शन, इंपल्सिव के बाद करेक्शन, इंपल्सिव के बाद करेक्शन। अगर करेक्शन नहीं जाएगा तो हमारा जो रिसेंट लो है मार्केट, ये ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक करने के बाद फिर से करेक्शन, फिर इंपल्सिव, फिर से करेक्शन, फिर से इंपल्सिव, यही मार्केट फॉलोअप कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, तो इंपल्सिव बनाना, तो यहां पर करेक्शन देकर मार्केट फिर से कंटिन्यू कर सकता है खुद को। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो मैं ये वाला लेवल चेक करूंगा और मैं ये वाला लेवल चेक करूंगा, हमको यहाँ पर हायर हाई चाहिए। आई होप कि तू सारी चीजें बहुत बिल्कुल लॉजिकली आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या कुछ भी स्ट्रेंज टाइप का, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।